बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद शेख, प्रोग्राम हम और टेक्नोलॉजी में, और मेरा साथ दे रहे हैं जनाब मोहम्मद सज्जाद। सामीन, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके मुतल्लिक तमाम जॉब्स की मालूमात पहुंचाना है, ख़ासतौर पर उन साहिबान के लिए जो रिसेंटली कैनेडा आए हों या कैनेडा आना चाहते हों, या वो साहिबान जो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हों। सामीन, अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है इंडस्ट्री में, और अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में हर जगह पर हमें कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है। जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे जहन में हमेशा कंप्यूटर आता है, और अगर देखा जाए पिछले चंद दहाइयों से जब से टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और ख़ास तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा एफिशेंसी आई है। समय, अगर आप प्रोजेक्ट को देखें तो प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में हर प्रोसेस के ऊपर कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसी सिलसिले को देखते हुए हमने आज का जो उनवान रखा है उसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आज की हमारी मेहमान है मिस तबस्सुम हुसैन, डायरेक्टर स्टेन कैनेडा, जो कि इंस्ट्रक्टर भी हैं और साथ साथ डायरेक्टर भी हैं। तो मैं आज आपका उनका तारुफ करवा रहा हूँ, मिस तबस्सुम हुसैन जी। मिस तबस्सुम, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं किसी भी प्रोजेक्ट में? इससे पहले कि मैं टॉपिक पे बात करना शुरू करूँ, आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड स्पेशली फॉर द ई आवास टीवी फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव टू एजुकेट न्यू इमिग्रेंट्स एंड न्यू पीपल टू एजुकेट अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड ऑल द एजुकेशन सिस्टम। जो एक गैप हम देखते हैं ये प्रोग्राम उसको फिल करेगा, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये एक इंडस्ट्री बाउंड चीज़ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं, लेकिन ये हर इंडस्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से आ रहे हैं और आप इस फील्ड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि आप शायद नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप हेल्थ की तरफ से हैं, आप IT से हैं, कंस्ट्रक्शन से हैं, डिफरेंट एरियाज़ आप ले लें, लेकिन हर जगह आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं भी आप इनोवेशन कर रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट बेसिकली ये होता है कि कोई भी वो चीज़ जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको लेकर आ रहे हैं मार्केट में, वो प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, कोई रिजल्ट हो सकता है। आप अपनी नॉलेज स्किल्स को यूज़ करते हुए और जो टूल्स आपके पास मौजूद हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, उनको आप इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर प्रोडक्ट और रिजल्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। जो स्टार्ट होती है कि उसका आप इनिशिएटिव लेंगे, फिर आप प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, पूरा टाइम आप उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपकी कॉस्ट कहाँ जा रही है, HR का क्या रोल है, फाइनेंसिस कैसे हैंडल करने हैं, टाइमलाइंस क्या हैं, आपके प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। तो ये एक बहुत इन डेप्थ स्टडी है, जो तकरीबन 10 नॉलेज एरियाज हम इसमें अगर आप बुक की लैंग्वेज में जाएं तो इन्वॉल्व हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है, तो ये पूरी एक सेपरेट एजुकेशन है जो आपकी डिफरेंट नॉलेज एरियाज के ऊपर होती है, और इसको डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं। बेसिकली एक फ्रेमवर्क भी नहीं है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप ये समझते हैं कि जो फ्रेश ग्रेजुएट होगा क्या उसको PMP या कोई भी प्रोजेक्ट सर्टिफिकेशन करनी चाहिए? फ्रेश ग्रेजुएट के लिए जहाँ तक बात है तो वो PMP स्पेसिफिकली तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक सर्टिफिकेशन है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर एक्सपीरियंस ये नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अपना फुट इन करना है तो उसके लिए सबसे पहले होता है CA PM, एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए या एक नए बंदे के लिए जो चेंज ऑफ प्रोफेशन देख रहा है, ठीक है, वो है सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आप ये स्टडी करते हैं और एग्जाम देते हैं तो आपके पास यू हैव 5 years टू क्लियर योर PMP एग्जाम। सो गेन योर एक्सपीरियंस, देन राइट योर PMP एग्जाम। सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप अगर आप लेना चाहें, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आप स्पेसिफिकली बाउंड नहीं कर सकते PMP और सिक्स सिग्मा के साथ, या सिक्स सिग्मा सॉरी स्क्रम स्टडी और सिक्स सिग्मा, ये सब इनके डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट PMP, एजाइल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, IT में जो हो रही है वो एजाइल है, स्क्रम है, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। फिर उसके बाद आवाज है प्रोसेस इंप्रूवमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट होती है, वो सिक्स सिग्मा लीन इंप्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप किस इंडस्ट्री में हैं तो आप उससे सूटेबल। हाँ, PMP इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड मोस्ट प्रेस्टीज एंड मोस्ट इन डिमांड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, आई वुड से सर्टिफिकेशन। इसकी सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है, मैच करती हैं, थोड़ा वेरी करती हैं एक दूसरे से, लेकिन ये डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो अवेलेबल हैं विद इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इटसेल्फ। तो बस हम ये जो
एक्सपीरियंस की आप बात कर रही हैं, तो वो एक्सपीरियंस किस टाइप का होना चाहिए? शुड बी लीडर, लीडरशिप, शुड बी an employee, what kind or of, any part yeah, of the project? Right. Yes, it's a very good question. Because experience ki jab hum baat karte hain, to usme ye nahi hai ki aapne project management ki haisiyat se wahan pe role kiya ho aur itne time ka aapke. Main specifications mein nahi ja rahi ki aapko kitna specifically kitne hours wagaira chahiye. Lekin usme ye hota hai ki wo koi bhi role ho sakta hai. Jaise aap business analyst ke aspect se kaam kar rahe the project mein, you were a team lead, or you were just managing the HR department, right? But you were part of a specific, the difference is that you should not be doing any operations, right, which is your regular duty, right? It should be that project ka ek title hota hai ki aap specifically kis task ke liye kaam kar rahe the aur aapne kya result, which is your deliverable, aapne generate kiya hai, theek hai? तो वो इवन कंस्ट्रक्शन को भी अगर आप देखें तो वो बिल्डिंग बाय बिल्डिंग जा रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन एक यूनिकनेस होती है प्रोडक्ट में, ठीक है? तो अगर इस तरह के आपके किसी भी रोल में हो सकते हैं, बट यू शुड बी एसोसिएटेड विद सम प्रोजेक्ट पे और फिर आपके आवर्स काउंट होते हैं। अच्छा, तो उसमें ये बताएं कि जब आप कोई मेगा प्रोजेक्ट लें या कोई मैक्रो प्रोजेक्ट लें तो उसमें तो हर प्रोजेक्ट एक डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा, तो क्या उस लिहाज से डिफरेंट सर्टिफिकेशंस चाहिए होंगी? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि देखिए आपको बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए, स्पेसिफिकेशंस पता हो, तभी हम कहते हैं कि पीएमपी जो है वो ग्लोबली आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, उसके आप स्केलेबल हैं, आप मतलब जितना भी उसको आप हायर लेवल पे लेके जाना चाहें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, देन प्रोग्राम मैनेजमेंट है, प्रोग्राम मैनेजमेंट के बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट जब आप हैंडल करें, जब आप बड़े उसकी वाइड उसकी बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है कि आप एक पूरा कंपोनेंट, एक पूरा प्रोडक्ट दे रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि एक कंपोनेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे आप कार मैन्युफैक्चरिंग हैं, तो एक बंदा जो सिर्फ उसकी लेदर सीट्स पे काम कर रहा है या इंजन प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहा है, वो उसका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है? ऑन द होल जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो हो गया। तो ये ऐसा नहीं है आपको सर्टिफिकेशन दूसरी चाहिए, आपने एक दफ़ा लर्न कर लिया आपको आगे ये क्या चीज़ है, उसके बाद यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन एनी इंडस्ट्री, इट्स स्केलेबल, राइट? एंड देन यू कैन गो ऑन द नेक्स्ट लेवल्स एज वेल। या यूँ कहें कि अगर कोई अगर इंजीनियर है तो उसने तो 10 साल 20 साल एज इंजीनियर काम किया, तो अगर उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाए तो अपनी क्या उसमें अहलियत लेकर आए कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर बने? देन आई वुड से कि वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट तो उनका था, एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, यू नो, बिकॉज अगर अ पर्सन हु डज नॉट हैव द स्किल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और द आईडी एंड ही इज़ लर्निंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो वो एक मैनेजमेंट स्किल स्टडी कर रहा है, एक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क स्टडी कर रहा है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड एसेंशियल इफ़ यू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड एज वेल, राइट? इट्स अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली गुड मैच, और आपकी इंडस्ट्री में मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है, इंडस्ट्री आपको ज़्यादा ट्रस्ट करती है कि ये सिर्फ मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है लेकिन ये उसको समझ भी रहे हैं। तो आप आईटी तो या इंजीनियरिंग तो आपका था कि आप टेक्निकल साइड पे हैं, लेकिन आपने अपने स्किल सेट बढ़ा लिए, मैनेजमेंट स्किल्स आ गई, नाउ यू कैन ग्रो फास्टर, राइट? आपको जो एक करियर जंप्स जिसको हम कहते हैं मिल जाती हैं, कि आपको एक एज मिल गया और आप वो आपकी ग्रोथ जो 10-20 साल में ग्रेजुअली होनी थी आपने उसको श्रिंक कर दिया, ठीक है? एक्सपीरियंस का कोई बदल नहीं होता लेकिन आपने इसको श्रिंक कर दिया और आप डायरेक्टली मैनेजमेंट लेवल पर जा सकते हैं। सो इट्स योर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट जंप टू इन योर करियर। सो एजाइल मेथोडोलॉजीज आर क्वाइट इन नाउडेज, हाउ डू वी लिंक बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एजाइल? अच्छा, आपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगी यहाँ पे, कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एजाइल का कंपैरिजन देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या कैटेगरीज हैं या वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन है। पहले तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इस तरह लेते थे कि आपके पास एक असाइनमेंट आया, एक प्रोजेक्ट आया, स्टार्ट टू एंड डेट है, आपने उसके डिफरेंट फेजेस किए और आपने उसको कंप्लीट कर लिया, बस यही प्रोजेक्ट हो सकता है, इसकी कोई और डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अब डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। एक तो वाटरफॉल है, जिसको वाकई में हम इसी तरीके से करते हैं, सीक्वेंस में लेके स्टेप वाइज, बिल्कुल फॉल तो हम कहते हैं कि वाटरफॉल है, प्रेडिक्टिव है, स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे और काम आपका हो जाएगा। एजिलिटी इज़ फॉर फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट्स, राइट? जहाँ पे बहुत रैपिड चेंजेस आ रही हैं और आपको यू वांट टू डील विद द चेंजेस, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री है, कॉल सेंटर्स हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज की ये नीड है, रिक्वायरमेंट है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसमें आप इम्प्लीमेंट करते हैं एजाइल। उसका डिफरेंट लाइफ साइकिल है, जो वाटरफॉल से कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसके रोल्स डिफरेंट हैं। उसमें आप बैकलॉग प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, उसमें आपके छोटे छोटे स्प्रिंट्स होते हैं जिसके अंदर आप काम करते हैं, जिसकी ड्यूरेशन आप रखते हैं मैक्सिमम 2 to 6 weeks, राइट? जबकि वाटरफॉल में आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं 5 ईयर लॉन्ग 6 मंथ्स लॉन्ग, इस कुड भी। और ये नहीं है कि एजाइल के स्केलेबल प्रोजेक्ट्स नहीं होते, स्केलेबल हैं, वो भी बहुत लॉन्ग होंगे, लेकिन क्या होगा, एक छोटे छोटे पॉकेट्स में, इटरेशंस में आप रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये एजाइल का फंक्शन होता है, लेकिन इसका टोटली डिफरेंट लाइफ साइकिल है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो जैसे स्क्रम और एजाइल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या उनकी सेपरेटली सर्टिफिकेशन करके भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ जा सकता है? एग्जैक्टली, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। देखिए पीएमपी का लोग इसलिए ज़्यादा और हम भी एम्फसाइज करते हैं क्योंकि उसमें इतनी वास्ट इन डेप्थ आप स्टडी कर लेते हैं कि उसके बाद मतलब आपके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें, मैं कहूँगी कि बाकी सारे फ्रेमवर्क बहुत ईजी हो जाते हैं क्योंकि हम आपको डिफरेंट नॉलेज एरियाज पे डिफरेंट एक्सपर्ट से इतना ज़्यादा ट्रेन कर चुके होते हैं कि वो उस पर डिफ़िकल्ट नहीं रहते। लेकिन एजाइल की अपनी सर्टिफिकेशन हैं, जैसे SMC है, स्पॉक है, स्क्रम प्रोडक्ट ओनर, इसी तरह डिफरेंट और हैं और ये रोल रिलेटेड हैं, तो आप जब वो सर्टिफिकेशन करते हैं आप एग्जैक्टली उस रोल में एंटर हो सकते हैं। सामी इस वक्त हम ब्रेक लेना चाह रहे हैं, तो ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हम और टेक्नोलॉजी के साथ। वेलकम बैक सामेन, आप देख रहे हैं हम और टेक्नोलॉजी, और आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर बसम हुसैन। तो जी मिस्टर बसम हुसैन, आपसे हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या? जब वो हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और वाटरफॉल एंड एजाइल मैथडोलॉजीज, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं या एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो हमें वाटरफॉल ही फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि एजाइल के लिए हमें एक वर्किंग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो एक कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस है और न्यू फीचर्स की एडिशन है? क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम वी हैव टू गो फॉर वाटरफॉल? नो, इट्स नॉट नेसेसिटी आई वुड से, क्योंकि अगर आप अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो हमारा SDL साइकिल है अगर आप उसको भी देखें तो उसमें वाटरफॉल कोई कहीं हाँ कुछ फीचर्स आप कह सकते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो एक प्लानिंग पे होता है, मैं समझती हूँ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो वाटरफॉल का बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें आप नए फीचर्स आपने प्रोटोटाइप्स करने हैं, आपने नए फीचर्स देखने हैं, स्प्रिंट्स पे आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, तो उसमें वाटरफॉल की इतनी गुंजाइश नहीं, क्योंकि वाटरफॉल प्रेडिक्टिव है। जब आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आपका स्कोप आपको पता है कि चेंज नहीं हो सकता, आप चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, तब आप वाटरफॉल करते हैं और उसमें हैवी प्लानिंग होती है स्टार्ट में, जबकि इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है उसमें आपकी हैवी प्लानिंग नहीं होती है। क्या स्क्रम मास्टर्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर और स्क्रम मास्टर व्हाट इज द डिफरेंस? लाइक इफ आई से कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, क्या वो एक स्क्रम मास्टर हो सकता है या स्क्रम मास्टर कैन बी अ प्रोजेक्ट मैनेजर? इज इट टू डिफरेंट रोल्स? दे आर टू डिफरेंट रोल्स बट दे ऑल ओवरलैप अ लॉट, राइट? सो एंड इफ यू सी इन द real market, real job market, how it's going on, so you will realize that there is a function for project manager, there is a function for a scrum master, and there is a function for product owner. I would say ki product owner ka jo role hai, agar hum by book jaate hain ya hum dekhte hain uski specific role kya hai, wo zyada project manager ke kareeb hai. लेकिन IT में कहीं कहीं हम उसको product manager कहते हैं, product owner, कभी कभी हम उसको कहते हैं अक्सर IT project manager, लेकिन फंक्शन उसका प्रोडक्ट ओनर का चल रहा होता है अगर आप स्क्रम एजिलिटी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रम मास्टर अगर मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं या कुछ देखें या फिर आपके जो एम्प्लॉइज जो बहुत अरसे से आपके साथ हैं, तो एक चीज़ होती है सर्टिफिकेशन एंड एजुकेशन और एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस, ठीक है। सो मे बी यू डू नॉट हैव द डेजिग्नेशन ऑफ PMP और प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन अपनी एक्सपीरियंस की वजह से एंड यू आर ओनली स्क्रम मास्टर विच इज़ अ लोअर डेजिग्नेशन फॉर PMP, राइट? लेकिन आप इतना ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू गेन कर चुके हैं कि उसकी वजह से यू आर यू नो इन द इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, उसके सारे रोल्स को समझते हैं, तो आप वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो बाय बुक अगर जाएं, अगर एक नए बंदे के हिसाब से देखें तो आपको फ़ौरन से ये पोजीशन नहीं मिल सकती SMC वाले बंदे को, लेकिन अगर आप ग्रो कर चुके हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं, डेफिनेटली यू हैव अ चांस दैट यू कैन गो विद। लेकिन उसके साथ अगर आप सर्टिफिकेशन कर देते हैं तो आपको एक थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी मिलती है, आगे आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये बताएं, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर और ख़ासतौर पर IT के ऊपर मैं कहूँगा, तो IT में अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होता है और उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो आप समझती हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? वेरी क्रूशियल, क्योंकि हर लेवल पे हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है। या एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें मतलब इट्स वेरी क्रूशियल एंड इट्स, तो जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करें कि ये सिर्फ वाटरफॉल है, इसीलिए मैंने डिफाइन किया था और थोड़ा सा कैटेगराइज किया था कि ये सब इसकी स्ट्रीम्स हैं। एजाइल भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रीम है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट भी इसकी स्ट्रीम है और वाटरफॉल भी इसकी स्ट्रीम है, ठीक है। तो आपका बहुत ज़्यादा ओवरलैप है। एक एनवायरनमेंट कहलाता है हाइब्रिड,
उसमें आप क्या करते हैं कि कुछ फीचर्स आपने वाटरफॉल के ले लिए जो गुड प्रैक्टिसेस आपको एजाइल की हैं और उसने आप उसको टेलर कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आप टेलर करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो यस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आप ये कहें कि वाटरफॉल इंटरेक्शन है तो नहीं होगा इतना ज़्यादा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो तो है ही, SDL लाइफ साइकिल ये तो है ही आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि आपने उसको किस तरीके से डिलीवर करना है। और आपने बताया कि आपकी स्पेशलाइजेशन एज ए बिजनेस एनालिस्ट भी है। मैं शेरिडन कॉलेज में पढ़ाती हूँ एज अ इन द बिजनेस एनालिसिस एंड प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोग्राम में, तो उसमें ये हम प्रोसेस इंप्रूवमेंट करते हैं और प्रोसेस इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यस, आई डू स्पेशलाइज इन PMP waterfall method in the agile as well. I do specialize in, because I am Six Sigma, Lean Six Sigma black belt as well, right? So I do specialize in process improvement and lean implementation projects. तो अगर कोई business analyst बनना चाहे तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उसको उसके अंदर एक analysis power होनी चाहिए। जब तक वो analysis नहीं करेगा, उसके pros and cons नहीं देखेगा, तो वो उसको नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर Canada में क्योंकि बहुत सारी problems भी हैं, जैसे अगर आप कहें तो किसी को इंग्लिश भी नहीं आती, वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकेगा, किसी को अगर उस जैसे अगर अगर वो लैंग्वेज बैरियर्स या लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं, तो कैसे उसको हैंडल किया जाए। देखिए, एक तो ये दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आप समझें कि इनके रोल को, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम शुरू हो रहा है जब आपने प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया, उसको हैंडओवर कर दिया। प्रोजेक्ट मैनेजर अब उसको स्टार्ट से एंड तक उसने कैसे डिलीवर करना है और रिजल्ट उसने कैसे जनरेट कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर ही विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट। बिफोर दैट प्रोजेक्ट बिजनेस एनालिस्ट, वो जो आपके 4-5 ऑप्शंस हैं उसमें से आप चूज कर रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, दिस इज द बिजनेस एनालिस्ट रोल। ओवरऑल लैब भी बहुत करता है और कई जगह आप साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट भी होता है। बिजनेस एनालिस्ट के लिए ये है कि एक तो आपको उसके लिए भी आपको एजुकेशन, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे सवाल करेंगे तो मैं कहूँगी कि नॉर्थ अमेरिका में आपकी फॉर्मल एजुकेशन उस चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वर्ड्स काम नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि एक एक अलग प्रोसेस है जो हम सामने इनको नेक्स्ट किसी में बता सकते हैं कि रिज्यूमे राइटिंग का, कैसे रिक्रूटर्स आपकी चीज़ें देखते हैं और आपकी एजुकेशन को परसीव करते हैं। वो हम आपको समझाएंगे कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि आपके लिए फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपके पास CBAP है बिजनेस एनालिस्ट में, अगर आप सर्टिफिकेशंस पे जाएं, CBAP है, PMI जो कि PMP ऑफर करता है, उनकी भी बिजनेस एनालिस्ट की एक सर्टिफिकेशन होती है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लोअर होता है। आई वुड नॉट से कि बहुत लोअर होता है, लेकिन ये कि PMP का फिर भी आपका एक कंट्रोल, एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बिजनेस एनालिस्ट असिस्ट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। अच्छा, मैं असल में दूसरा सवाल ये करना चाह रहा था, अगर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है क्या उसको हर प्रोसेस की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? So he should be a good analyst too. Business project manager को कहते हैं कि he should be able to see through things, ठीक है, और उसको क्योंकि उसने पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करना है, तो हम उसकी एनालिटिकल तो बिल्कुल ही अलग होगी, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट स्किल्स भी आ गए, लीडरशिप्स भी आ गए, तो उसकी तो बहुत एक कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी पड़ती है, एक पर्सनालिटी आपको एक चाहिए होती है मैनेज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि नॉलेज सिर्फ एक चीज़ नहीं है, नॉलेज तो PMP अगर 10 लोग क्लियर कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन पर जब बात आती है तो वो बहुत डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए तो PMP में हम 49 प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस के साथ उसके इनपुट्स, आउटपुट्स एंड ITTOs वी कॉल इट, सो टूल्स एंड टेक्निक्स से जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों को समझना और उसको आना। बिजनेस एनालिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको तो सिर्फ ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मैंने प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, कंपनी को पैसा कौन से प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे तो कंपनी को रिटर्न पे बैक पीरियड जो है जिसका शॉर्टर है, तो ये सारी चीज़ें स्टडी करना बिजनेस एनालिस्ट का काम है। प्रोजेक्ट मैनेजर को सिर्फ वो फिगर्स देखने हैं और डिसाइड करना है कि हमें डिसीजन क्या लेना है। देखिए, ये बैकग्राउंड काम जो है वो इट्स बेसिकली अ बिजनेस एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ये जब हम लोग एक सर्टिफिकेशन कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उसके बाद क्या किसी टूल्स की भी ज़रूरत होती है? लाइक हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को रिपोर्टिंग भी चाहिए, लाइक ओके आई हैव डन एनालिसिस फॉर दैट मच टाइम, डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी दैट मच ऑफ टाइम एंड सो ऑन। Do they need any defect tracking tool? They need to learn about. Oh, definitely. Yeah. You need a different kind of softwares, and it depends on your organization choice and availability as well, right? Right. क्योंकि जब हम software की बात करते हैं, it should be available, it should be cost effective, और आपके जो employees हैं, they should be able to use it, right? आप बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं, लेकिन वो नहीं उसको यूज़ कर सकते तो useless हो गया, ठीक है? तो ये certain factors हैं जो आपको देखने पड़ते हैं before you select in between the softwares as well.
right? The visual you want to choose for your own organization. Then उसके बाद ये चीज़ होती है कि उसमें MS project है, एक का ही नाम दे रही हूँ, उसमें और different softwares हैं जो आप use कर सकते हैं. तो आपको scaling के लिए, आपको time management के लिए, आपको resource implementation के लिए, everything. क्योंकि वरना आप किस तरह रिकॉर्ड रखेंगे, आप रिसोर्सेज को कैसे ट्रैक डाउन करेंगे. आप हर चीज़ की कोडिंग होती है, उस कोडिंग को आप कंप्यूटर में डालते हैं. अब बाज़ लोग तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारी कंपनीज एक्सेल, सिंपल एक्सेल फाइल यूज़ करते हैं. एक्सेल इज़ अ वेरी एडवांस टूल इफ़ यू कैन ग्रेस योर माइंड अराउंड, राइट? एंड यू कैन डू वंडर्स फ्रॉम दैट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट? वैसे भी अब तो माइक्रोसॉफ्ट खुद कह रहे हैं कि एक्सेल जो है वो खुद एक एनालिटिकल टूल है. इट इज़, इट इज़, देयर इज नो डाउट. इवन फॉर, अगर आपको एक्सेल पे अच्छा होल्ड है तो सॉफ्टवेयर इज अ सेकेंडरी थिंग. उसके बाद क्योंकि आप अगर सॉफ्टवेयर एक कर भी लेंगे, आप दो तीन चार सॉफ्टवेयर, यू हैव डन दैट, यू हैव एक्सपर्टीज इन दैट एरिया, व्हेन यू एंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लोगों ने भी ज़रा कॉर्पोरेट जॉब्स की, आपको पता है तो क्या होता है, दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टेलर्ड टू देयर ओन ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. जो फीचर्स उनको चाहिए उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो आप वही कर रहे होंगे, तो वो सेकेंडरी हो गया. लेकिन उस फ्रेमवर्क को समझना, हाउ यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट, अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को आपने कैसे यूज़ करना है, वो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, वो सारी, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो. जैसे आपने देखा कि अभी आपने जिक्र किया MS प्रोजेक्ट का भी, और शायद हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि प्राइमेवेरा जो ओरेकल प्राइमेवेरा है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है. और हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री कोई सॉफ्टवेयर यूज़ भी नहीं कर रही, जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो वो फिर क्या करती होंगी इनके लिए? उनके अपने टूल्स हैं. और जैसे एक्सेल के लिए, एक्सेल इज़ अ वेरी 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 यूजफुल टूल. उसमें आप सब आपके सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स आप उसके ऊपर कर सकते हैं, जबकि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स आपको बाकी प्रोजेक्ट्स में, तो यू कैन सी कि आपने टाइम लाइन डिफाइन करनी है, रिसोर्सेज मैनेज करनी है. सिक्स सिग्मा तो पूरी डेटा स्टडीज होती हैं इन डेप्थ, लाइक इट्स डेटा ड्रिवन, एवरीथिंग इज अबाउट नंबर्स, राइट? द होल स्टडी एंड होल मैनेजमेंट एंड होल कंट्रोल यू डू ऑफ द प्रोसेस इंप्रूवमेंट, एवरीथिंग थ्रू, इट्स लाइक द ह्यूज डेटा यू हैंडल इन एक्सेल शीट्स, राइट? सो ये सारे मतलब, एंड बट यू नीड समथिंग ऑफकोर्स, बट डेवलप टूल्स हों और वो सही से मेंटेन हों, ताकि कोई एरर्स ना आए, राइट? अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रन द प्रोजेक्ट. बट फर्स्ट थिंग इज़ कि आप उसको सीखें. अगर आप एजुकेशन और नॉलेज ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर आपको ट्रेनिंग के दौरान भी पता चल जाएगा कि एक तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज और वर्क एक्सपीरियंस, इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, यू मस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट. बट यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि मैंने इस सॉफ्टवेयर पे काम किया, इस पे नहीं किया हुआ. अगर आपका यूज़ सिमिलर है, इवेंचुअली यू विल गेट दैट टूल लाइक इट इन नो टाइम, राइट? दैट्स नॉट द, दैट्स सेकेंडरी. प्राइमरी इज़ आपके पास नॉलेज तो हो पहले, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जाएंगे ना कि आपने कैसे उसको करना है और किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड. हमें कुछ बताइए अबाउट सर्टिफिकेशंस. सर्टिफिकेशंस ऑफ कोर्स, इन अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आप जाएं, तो मैं सिर्फ मैं बायस होकर सिर्फ वाटरफॉल की सर्टिफिकेशन के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अवेलेबल क्या है इन सारी स्ट्रीम लाइन्स में. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो वाटरफॉल है, उसमें आपके पास PMP है. इन केस अगर आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आप इंडस्ट्री में एंटर होना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपको कोई ताल्लुक नहीं था, तो आप CAPM करेंगे, विच इज़ सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. दिस इज़ वाटरफॉल स्ट्रीम. उसके बाद आप आ जाएँ एजाइल में. एजाइल में आपके पास SMC है, या आप उसी को बोलते हैं स्क्रम मास्टर को, आप बोलते हैं स्क्रम सर्टिफाइड मास्टर, SCM, दोनों एक है, कोई डिफरेंस नहीं है. प्रोडक्ट ओनर है, डेवलपर की है, वो बहुत लो लेवल की, एक स्टार्टअप की होता है, करना चाहें तो करें, वरना डायरेक्टली आप बड़ी सर्टिफिकेशंस पे जा सकते हैं. प्रोडक्ट ओनर की है, तो ये रोल, सर्टिफिकेशन का नाम भी है और ये रोल्स भी इसी तरीके से उस फ्रेमवर्क में है. फिर उसके बाद आप आ जाएँ प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे, या क्वालिटी पे, या लीन इंप्लीमेंटेशन की सर्टिफिकेशंस पे. दे हैव सिक्स सिग्मा, सो लीन सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट, विच वी ऑफर फॉर फ्री बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक, राइट? आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट पीपल और इंडस्ट्रीज डोंट डू दैट, बट वी फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट वी ऑफर इट फॉर फ्री बिकॉज इट्स ओनली द फाउंडेशन लेवल. देन वी हैव लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, देन वी हैव लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट. वन थिंग आई वुड सजेस्ट फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट पीपल, और प्रोसेसेस हर इंडस्ट्री में हैं, तो ये नहीं कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लोगों को ये करना ज़रूरी है. आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट हर जगह करेंगे, ठीक है? हम जो यहाँ कर रहे हैं सब प्रोसेस, तो वो इस तरीके से उनको सर्टिफिकेशन. समझते हो? मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को देखें, तो उसमें बहुत सारी जॉब्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर. तो क्योंकि हमने इस प्रोग्राम का मकसद ये रखा है कि किस तरह की जॉब्स इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि हर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हो सकता. डेफिनेटली. तो आप कुछ उसके मुतालिक थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह की जॉब्स के लिए हम एम्फोसाइज करें.
डेफिनेटली देखें, अगर आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स की भी जॉब होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की भी होती हैं, हर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हो सकता. ये एज लेने के लिए ही आप सर्टिफिकेशन करते हैं, राइट? ट्रूली कि अगर आप CAPM हैं तो आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आप सेम नॉलेज गेन कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव स्टडीड सेम बुक, सेम इन्फॉर्मेशन, सारे प्रोसेस से आप सेम गुजरें, सिर्फ एक्सपीरियंस लैक करता है. द स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज, आप प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब भी वो आपको ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि उनको सेम एक्सपर्टीज मिल रही है, एक्सपीरियंस दो लैक करता है. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यस, यू हैव टू गो थ्रू ऑफ द PMP. फिर आप अगर स्क्रम एजाइल, जहाँ पे जिन कंपनीज का फ्रेमवर्क है उसमें आप SMC जब आप करें तो आपको टीम लीड टाइप की पोजीशन मिलेगी. तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर का ही होता है, लेकिन ये कि आपकी अथॉरिटी लेवल डिफरेंट होगा. अथॉरिटी लेवल प्रोडक्ट ओनर का डिफरेंट है, क्योंकि उसमें उसके पास अथॉरिटी है कि वो प्रायोरिटाइज कर सकता है आपकी टास्क. उसका टर्म है एक बैकलॉग प्रायोरिटाइजेशन, टेक्निकल थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आप उसको ये समझ लें आम वर्ड्स में टास्क कि आपने किसके बाद क्या करना है, वो सब प्रायोरिटाइज करता है. फिर सिक्स सिग्मा में जो है उसमें आ जाता है कि एक टीम है येलो बेल्ट की, वो सिर्फ काम करती है, सिर्फ टास्क पे काम करी है. ग्रीन बेल्ट जो है वो उनको कंट्रोल करने वाले हो जाते हैं कि वो टीम को कैसे उन्होंने एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है, दे आर हायर लेवल. फिर ब्लैक बेल्ट जो है वो मेंटोर्स भी होते हैं, दे आर बेसिकली मेंटोर्स एज वेल. दे कैन चेंज देयर स्ट्रेटजीज, दे कैन टीच देम, एंड दे कैन यू नो पूरा सिस्टम वो अपग्रेड कर सकते हैं, नए प्रोसेस ऐड कर सकते हैं. प्रोसेस री इंजीनियरिंग जिस वक्त आप कर रहे हैं तो वो नए प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दे आर डिफरेंट अथॉरिटी लेवल्स. बहुत शुक्रिया मिस्टर वसुम आपका आने का, और आपसे हमने बहुत ही मुफीद गुफ्तगू की. और इसके साथ ही सामिन, हम इजाज़त चाहते हैं, मुझे और सज्जाद साहब को इजाज़त दीजिए, दोबारा फिर हाजिर होंगे हम और टेक्नोलॉजी के साथ. और हाँ सामिन, जाते जाते हमें आपकी राय की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारा आप देखिएगा हमारा ईमेल एड्रेस चल रहा है hamortechnology@hotmail.com. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.